हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका फर्स्ट पेपर होता है बीएड फर्स्ट ईयर का, इसका मेरे पास पेपर है। ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का मेरे पास पेपर है। ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 29 को, यानी कि जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ था 29 मई को, वो मेरे पास पेपर है। तो देखते हैं इस बार पेपर में किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक थे जो इस बार पेपर में डाले गए थे और क्या पेपर का पैटर्न रहा था। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 रहते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे की टाइमिंग होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन तो होता है 16 मार्क्स का, लेकिन इसमें चार चार नंबर के चार पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस पेपर का, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बताना था, शॉर्ट नोट लिखना था। ये क्वेश्चन आपको या तो शॉर्ट नोट में मिलेगा या फिर आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। सेकंड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें लॉज ऑफ हेरिडिटी पूछा गया था, अनुवंशिकता के जो लॉज है वो आपने इसमें बताने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट था, इसमें आपसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, जो आपका चाइल्डहुड स्टेज और जो एडोलेसेंस स्टेज होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने बताने थे। और लास्ट जो पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें हमें फिजिकल डेवलपमेंट है जो चाइल्डहुड स्टेज के ड्यूरिंग, यानी कि जो बाल्यावस्था के दौरान जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी भी एक बच्चे में, वो हमें क्या है बताना था। ये चारों के चारों बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो टॉपिक्स आप देखोगे तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे या तो शॉर्ट नोट में या फिर बड़े क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट वाइज, फर्स्ट यूनिट देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपसे पूछा गया था, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखो, अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसने डिफरेंस पूछ लिया था शॉर्ट नोट में, लेकिन सेम क्वेश्चन क्या है 16 मार्क्स में भी आया हुआ है। इसमें आपको अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आपने यहाँ पर डिफाइन करने थे। तो ये क्वेश्चन तो आपका हर बार पेपर में रिपीट होता ही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लगभग सिमिलर सी चीज़ें थी, बस इसमें डिफरेंस, उसमें प्रिंसिपल पूछे गए थे, इसमें आपसे फैक्टर पूछे गए हैं, वो वाले फैक्टर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो इसको प्रभावित करते हैं, वो हमें इसमें बताने थे। तो इसका वैसे सिलेबस कम है, इसलिए ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड यूनिट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो जो सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा डिस्कस देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन लर्नर्स डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद इनकी जो इंपॉर्टेंस है, जो एक लर्नर की डेवलपमेंट में इनका जो रोल रहता है, वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट था, उसमें हमसे क्या पूछा गया था, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, एक ये और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसका प्रॉपर 16 मार्क्स का आपका अकेला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताने थे, इसका कंसेप्ट बताना था, और क्या बताना था, डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट्स एंड एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वो सारे के सारे जो एरियाज है जिसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे एरियाज हमें क्या है इसमें बताने थे। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। थर्ड यूनिट में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है व्हाट इज़ मेंट बाय एडोलेसेंस, डिस्कस द वेरियस डेवलपमेंट पैटर्न, यानी कि जो एडोलेसेंस है उसका कंसेप्ट बताना है, उसको डिफाइन करना, और उसके बाद जो सेकंड हमें करना है वो जो डेवलपमेंट पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो हर एक स्टेज के ड्यूरिंग अलग अलग होता है, चाइल्डहुड में कुछ अलग होता है, एडोलेसेंस में कुछ अलग होता है, इस तरीके से। तो इसमें वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट 3 का, उसमें हमें क्या बताना है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ
गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स स्कूल एंड टीचर इन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंस। ये थोड़ा सा मतलब अलग सा टॉपिक है जो आपसे पूछा गया है। इसमें जो गाइडेंस एंड जो काउंसलिंग में जो पेरेंट्स का, स्कूल का और जो टीचर्स का रोल होता है वो हमें डिफ़ाइन करना था और बताना था कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे लास्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 4 पे। इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जीन पियाजे की थ्योरी। इसमें एरिक्सन की थ्योरी होगी, जीन पियाजे की थ्योरी होगी और कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूनिट 4th में क्या है लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता क्या है। फिर बताना है जो जीन पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो चाइल्डहुड स्टेज होती है और जो एडोलेसेंस हमारी जो स्टेज होती है उसके ड्यूरिंग, उस दौरान जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है उस पर हमें डिटेल नोट लिखना था। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो ज़्यादा मुझे इजी लगा और इम्पोर्टेंट भी है वो चीज़ें। तो ये था आपका जो अभी मई 2024 में जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर हुआ है, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं हिंदी मीडियम में बात करूं तो सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। जो कंपलसरी क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट था बुद्धि और विकास में भेद या अंतर बताने थे। सेकंड में हमें वंशानुक्रम के नियम बताने थे, हेरिडिटी के जो थे। और जो थर्ड इसका पार्ट था उसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अंतर बताना था। और लास्ट में हमें बताना था बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखना था। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में पहला क्वेश्चन था बुद्धि और विकास, इसको हमें परिभाषित करना था और इनके जो सामान्य नियम थे, जो जनरल प्रिंसिपल थे, वो हमें डिफाइन करने थे। सेकंड पार्ट में हमें बुद्धि और विकास को डिफाइन करना था, बुद्धि और विकास से हम क्या समझते हैं चीज़ बतानी थी, और इनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी विवेचना करनी थी, उनके बारे में हमें लिखना था। सेकेंड यूनिट का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों को प्रभावित परिभाषित करते हुए जो अधिगमकर्ता के विकास में इनकी जो महत्वता होती है उनको हमें बताना था, उनकी हमें क्या है व्याख्या करनी थी। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमें क्या है व्यक्ति जो विभिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको परिभाषित करना था और इनके जो निर्धारक और जो क्षेत्र है, जो एरियाज है, वो बताने थे। तीसरे यूनिट में हमें बताना था किशोरावस्था क्या होती है, इसे हम क्या समझते हैं, और इसके जो पैटर्न थे, जो किशोरावस्था में जो विकास के जो पैटर्न होते हैं उनको हमें क्या है डिफाइन करना था। जो सेकंड पार्ट था इसमें हमसे पूछा गया था जो निर्देशन और परामर्श है इनको प्रभाषित करते हुए जो अभिभावक, विद्यालय और अध्यापक की एक भूमिका होती है उसको हमें क्या है अच्छे से डिफाइन करना था। लास्ट यूनिट में हमसे संज्ञानात्मक विकास पूछा गया था, इसके साथ साथ जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो भी बताना था। और लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान जो भावनात्मक विकास होता है उस पर विस्तृत टिप्पणी करनी थी, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को डिफाइन करना था। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर जो आपका 29 मई 2024 को हुआ है, यानी कि मई 2024 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे गए थे।